नाहन शहर की एकमात्र सैरगाह वीला राउंड में नशेड़ी लोगों के लिए परेशानी का सबक बने हुए हैं। आलम यह है कि लोग अब इस सैरगाह में आने से भी कतराने लगे हैं। ऐसे में लोगों को यहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक सैरगाह में सुबह शाम लोग बड़ी संख्या में घूमने आते हैं, जिन्हें कई बार इन नशेड़ियों से उलझना पड़ता है। खासकर दिन के समय और रात 9 बजे के बाद यहां बड़ी संख्या में नशेड़ी पहुंचते हैं। वीला राउंड में जगह जगह शराब की बोतलें और प्लास्टिक की बोतलें अक्सर देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशेड़ी यहां अक्सर पहुंचकर उनके लिए परेशानी बने रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो रात के समय अक्सर नशेड़ी यहां डेरा डाले रहते हैं। इस बारे में लोगों का यह भी कहना है कि नशेड़ी अक्सर यहां चोरी की वारदातों को भी अंजाम देते हैं। कई बार गाड़ियों की बैटरियां, टायर और अन्य सामान चोरी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि वीला राउंड में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि इस परेशानी से लोगों को छुटकारा मिल सके। ये वीला राउंड जो है हमारे शहर की नहीं पूरे सिरमौर की एक प्रसिद्ध सैरगाह है, जैसे आप सब जानते हैं। यहाँ पर सुबह और शाम को सारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग जो है घूमने के लिए आता है ताकि उनकी सेहतमंद रहे, सेहत के लिए अपने सब वो अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन दोपहर के टाइम जब घूमने वाले लोग नहीं आते हैं दोपहर के टाइम, और शाम को 8-8:30 बजे के बाद यहाँ पर जो हमारे युवक नशे की गत में पड़ चुके हैं, नशे की लत में पड़ चुके हैं, उन्होंने इसको अपना अड्डा बना लिया है, है ना। सुबह भी हम लोग जब सैर करने जाते हैं तो कहीं पर शराब की बोतल मिलती है, कहीं सिगरेट की डब्बी मिलती है, कहीं पर कुछ भी मतलब मिलता रहता है, जिसको हम लोग उठाकर डस्टबिन में फेंकते हैं। और हम ही नहीं, शहर के बहुत सारे लोग उठाकर डस्टबिन में फेंकते हैं। और दोपहर में और खासकर शाम को 8:30-9 बजे के बाद यहाँ गेट तक लोग जो है अपनी बाइक बच्चे लेकर आते हैं, ज़ोर ज़ोर से बाइक चलाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, और यहाँ से अंदर जो है अपनी शराब की बोतल लेके, अपने नशे का सामान लेके अंदर जाते हैं, जिसकी तरफ प्रशासन जो है बिल्कुल प्रशासन ने अपना जो है बिल्कुल इसकी तरफ आंखें मूंद रखी हैं। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि शाम के टाइम और दोपहर के टाइम यहाँ पर एक गश्त लगाई जाए पुलिस की, ताकि ये नशेड़ियों को थोड़ा डर हो और वो इस यहाँ पर नशा करने के बजाय इस सैरगाह का आनंद ले सकें। यहाँ इसको नशेड़ियों का अड्डा नाम नाएं। और इस एरिया में सर खासकर शाम को 8:30-8 बजे के बाद घर से महिलाओं का, बच्चों का निकलना वर्जित हो चुका है। सर यही है, नशे से संबंधित काफ़ी हद तक लड़के शाम को भी 11-11 बजे तक घूमते रहते हैं, नशा भिशा करते हैं। यहाँ पर ये घूमने का बड़ा अच्छा स्थान है, काफ़ी लोग, लेडीज वगैरह, माताएं बहनें जाती हैं इधर। तो अगर पुलिस की ओर है थोड़ी सी चौकसी तो बड़ा अच्छा रहेगा। दिन को भी समस्या आती है, रात को भी, दिन के समय भी? सर दिन में भी काफ़ी हद तक घूमते रहते हैं हम, तो दिन में भी देखते हैं कई बार, पर शाम को तो ज़्यादातर है ही है। गुड़ियाँ हमारी खड़ी रहती हैं, इसमें भी बहुत कई बार शीशा तोड़ देते हैं, कई बार इसका डेक चुरा लेते हैं, कई बार इवन मेरी गाड़ी का अपना भी टायर चोरी हो चुका है। तो मेरी प्रशासन से ही मांग है कि यहाँ पर थोड़ी पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए, थोड़ी प्रशासन यहाँ पर इसकी तरफ थोड़ा सतर्क हो, ताकि ये जो हमारे युवक हैं इस सैरगाह का आनंद उठा सके, ना कि इसको नशेड़ियों का अड्डा बनाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।